मुंबई में यूपी बिहार सहित अन्य राज्यों के मरीजों से ज्यादा शुल्क लेंगे बीएमसी के अस्पताल, दवा नहीं मिलेगी फ्री में। मुंबई करों के अलावा किसी को भी मुफ्त में दवा नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि मीरा भाईंदर, ठाणे, कल्याण, वसई विरार के मरीजों को भी देना होगा अतिरिक्त शुल्क। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बॉडीगार्ड ने एकनाथ शिंदे, सेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने गोली मारी। महेश गायकवाड़ की हालत बनी नाजुक, शरीर से निकाली गई 6 गोलियां, बीजेपी विधायक ने मारी है गोली। मुंबई में 19 फरवरी से खुल जाएगा मरीन ड्राइव से वर्ली कोस्टल रोड का एक हिस्सा, 4 साल में बनेगा गोरेगांव मुलुंड रिंक रोड। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने किया ऐलान। शिंदे सरकार ने लड़कियों को दिया बड़ा तोहफा, 8 लाख रुपए और इससे कम आय वाले परिवारों की लड़कियों के लिए पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफी। अंधेरी के नागरिकों के लिए अच्छी खबर, 25 अप्रैल तक यातायात के लिए खुलेगा गोखले ब्रिज, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की घोषणा। मुंबई में बीते 24 घंटों में मौसम में बदलाव, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। पुणे नाशिक रेल मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हुई दूर, नाशिक पुणे रेलवे के लिए 2500 करोड़ के फंड को मिली मंजूरी। कोंकण दौरे के बाद उद्धव ठाकरे पूरे राज्य का करेंगे दौरा। मुंबई के 40% खर्चों की भरपाई के लिए बीएमसी अपनी एफडी तोड़ देगी। मुंबई के लिए स्वच्छ और अतिरिक्त पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब नगर पालिका कर रही है बड़ी योजना। जिंदा है पूनम पांडे, सर्वाइकल कैंसर वाली बात निकली झूठ, मरने के बाद खुद की वीडियो बनाकर सच्चाई बताई। मेट्रो मुंबई की खबर का असर, यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूलने वाले ऑटो टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस, अब तक 654 लाइसेंस कर चुकी है रद्द। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में 2 की हुई मौत, पुलिस कर रही है ट्रक चालकों की तलाश। जल्दी पैसा कमाने का लालच दिया, इंस्टाग्राम पर पहचान बढ़ाकर ठगे 17 लाख, डोंबिवली रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। पुणे के बीच सड़क पलट गया मालवाहक ट्रेलर, घंटों तक यातायात रही बाधित। मुंबई में आज सोने के दामों में गिरावट देखी गई, सोना 57,100 रुपए तोला। खुद को क्लीनअप मार्शल बताकर नाला सफारा में 2 लोग वसूली करते पकड़े गए।